स्वागत है आपका कंप्यूटर नॉलेज पॉइंट में। आज मैं आपको होम टैब के अंदर फॉन्ट ग्रुप के बारे में बताने जा रही हूँ। ये मैंने डिफॉल्ट पैराग्राफ यहाँ पे टाइप किया है। डिफॉल्ट पैराग्राफ के लिए मैंने आपको बताया था इज इक्वल टू RAND रैंड कमांड, शिफ्ट के साथ 9 और शिफ्ट के साथ 0 प्रेस आप करोगे तो आपका डिफॉल्ट पैराग्राफ ओपन हो जाएगा, जैसे कि इज इक्वल टू RAND शिफ्ट के साथ 9, ये रहा शिफ्ट के साथ 9 यानी कि ब्रैकेट ओपन और शिफ्ट के साथ 0 और एंटर। तो डिफॉल्ट पैराग्राफ बना बनाया एक पैराग्राफ हमारे पास आ जाएगा, जिससे हमको हमारे समय की बहुत बचत होगी और हम सारे ऑप्शन यहाँ पर जल्दी से जल्द अप्लाई करके देख सकते हैं। तो बिना किसी देर किए मैं अपनी इस वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ। गाइस, आज हम फॉन्ट ग्रुप के बारे में पूरी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई तो भी आपके लिए बेनिफिटेड है, क्योंकि एक वीडियो में पूरा के पूरा ग्रुप कवर करना ये बहुत बड़ी बात है। और अगर इसमें से कोई ऑप्शन रह जाता है तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगी, बट आपको कमेंट बॉक्स में बोलना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट था और वो रह गया है। अदरवाइज मैं पूरी कोशिश करूंगी अपने पास से कि आपके सारे के सारे इसमें जो ऑप्शन है वो क्लियर हो जाए। तो पहला ऑप्शन है हमारा फॉन्ट स्टाइल, ये रहा फॉन्ट स्टाइल, जहाँ पे कैलिब्री बॉडी लिखी है ये फॉन्ट स्टाइल है। अब इसको यहाँ पर ट्राई कैसे करेंगे, किसी भी ऑप्शन को ट्राई करने के लिए सबसे पहले सिलेक्शन ज़रूरी होता है। सिलेक्शन कैसे करते हैं, दो तरीके से करते हैं, मैं आपको बताती हूँ। फॉन्ट का लेफ्ट बटन दबा के रखना है, वहाँ तक ड्रैग करना है जहाँ तक आपको सिलेक्ट करना है। ये मेरा सिलेक्ट हो गया पैराग्राफ। अब मैं इसमें से कोई भी फॉन्ट चूज कर सकती हूँ, एरियल ब्लैक, मच बेटर एरियल ब्लैक जी, एरियल ब्लैक मैंने इसमें सेलेक्ट किया है। और जैसे कि अब मैं दूसरा भी अगर कोई फॉन्ट सेलेक्ट कर सकती हूँ, ये रहा एरियल एरियल ब्लैक, ये रहा सॉरी वो एरियल था, ये एरियल ब्लैक है। दोस्तों अगर मैं यहाँ पर कोई भी फॉन्ट सेलेक्ट कर रही हूँ तो पीछे आप उसका प्रिंट सॉरी प्रीव्यू देख सकते हो, आप प्रीव्यू देख सकते हो, बैक साइड में प्रीव्यू दिखा रहा है वो, कि इस तरीके से अगर मैंने ये वाला ऑप्शन इसके ऊपर ट्राई किया अप्लाई किया तो उसका प्रीव्यू ऐसे दिखा रहा है। फिर मैं इसके ऊपर अप्लाई कर देती हूँ एरियल ब्लैक, लेफ्ट क्लिक से मैंने अप्लाई कर दिया माउस के लेफ्ट क्लिक से, एरियल एरियल ब्लैक करा है ना, एरियल ब्लैक करूँगी, मेरा फेवरेट है ना इसलिए बार बार मेरे मुँह से निकल जाता है एरियल ब्लैक। अब मैं इसका साइज बढ़ाऊँगी फ्रेंड, इसका साइज 16 कर देती हूँ, ठीक है। ये आप इससे साइज छोटा भी कर सकते हो लेकिन उसके लिए सिलेक्शन ज़रूरी है फ्रेंड, इस बात का ध्यान रखना। जब तक आप सिलेक्ट नहीं करोगे किसी भी चीज़ को, कोई भी ऑप्शन आपका उसके ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता। 18 कर दूँ, 16 ही सही है। बोल्ड, बोल्ड अप्लाई करती हूँ। अब क्योंकि एरियल ब्लैक खुद ही एक बोल्ड है इसलिए मैं इसको हटा देती हूँ, मैं एरियल कर देती हूँ, तभी वो अप्लाई इसके ऊपर दिखाई देगा। मैं इसको पहले बोल्ड हटा देती हूँ, ये रहा ये बोल्ड नहीं है, इसके ऊपर कोई भी बोल्ड ऑप्शन अप्लाई नहीं कर रखा है। अब मैं बोल्ड पे जाती हूँ, अप्लाई करती हूँ, लेफ्ट क्लिक किया एंड ये अप्लाई हो गया। कंट्रोल बी से भी कर सकते हैं, बी फॉर बोल्ड, तो इजी हो गया याद करना, कंट्रोल प्लस बी, बी फॉर बोल्ड, अप्लाई कर दिया। इटैलिक कहने के थोड़ा तिरछा चाहिए तो हम तिरछा भी कर सकते हैं, मैंने तिरछा कर दिया, इटैलिक अप्लाई कर दिया। तो ये देखो आप ये वाले फॉन्ट में और ये वाले फॉन्ट में फ़र्क है, क्या फ़र्क है, पहले तो इसका फॉन्ट अलग है पैराग्राफ में, ये वाले पैराग्राफ में और ये वाला पैराग्राफ में, ये फ़र्क है कि इसका और इसका फॉन्ट अलग है, साइज अलग है एंड बोल्ड भी है, इटैलिक भी है ना, ये मैंने फॉर्मेटिंग कर रखी। नेक्स्ट हम अपना ऑप्शन अप्लाई करेंगे अंडरलाइन, अंडरलाइन कंट्रोल प्लस यू, यू फॉर अंडरलाइन, ईजी हो गया, ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर आके, वो वही बात है प्रीव्यू दिखाएगा वो हमको पीछे, ये देखो ये वाला अप्लाई करूँगी तो ये ऐसा दिखाएगा, ये देखो ये अप्लाई करूँगी तो ये ऐसा दिखा रहा है, ये देखो फिर ये वाला जैस जहाँ जहाँ पे मेरा ये एरो जाएगा वहाँ वहाँ वो पीछे की ओर उसका
प्रीव्यू दिखाएगा, अगर मुझको ये वाला अप्लाई करना है तो मैं इसको लेफ्ट बटन क्लिक करके छोड़ दूंगी। इसी तरीके से दोस्तों अंडरलाइन जो हमारा ऑप्शन है उसके अंदर अंडरलाइन कलर भी है, तो आप इसको अप्लाई करके देखना, जो भी कलर आपका फेवरेट हो वो आप अप्लाई करके देखना। फिर अंडरलाइन मैंने कर दिया इसको। फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि अगर मैंने इसके ऊपर बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन ऑप्शन अप्लाई कर रखा है तो वो तीनों के तीनों हाईलाइट हो रखे हैं। ये देखो, ये इसके ऊपर अप्लाई तीनों के तीनों कर रखे हैं, बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन, तो तीनों अप्लाई हो रखे हैं। अगर मैं यहाँ पर ऐसे क्लिक करती हूँ तो देखो ये नहीं है, क्यों? क्योंकि ये क्लिक जो वर्ड है इसके ऊपर ना ही मैंने बोल्ड अप्लाई किया है, ना ही इटैलिक अप्लाई किया और ना ही अंडरलाइन अप्लाई किया। तो ये अप्लाई जब होता है तब वो ऑप्शन जो है वो हाईलाइट होता है। अब नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन, जिसको मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ। नेक्स्ट है हमारा फॉन्ट का इफेक्ट्स। तो फॉन्ट के इफेक्ट्स में आप चाह जाके अपने ट्राई कर सकते हो, ये वाला अच्छा लग रहा है तो ये वाले पर क्लिक करो, ये देखो ऐसा दिखेगा। और अगर और दूसरा करना है तो और दूसरा आप कर सकते हो अप्लाई इसके ऊपर। फिर आउटलाइनिंग भी कर सकते हो, ये देखो अलग अलग तरीके की आउटलाइनिंग है। यही बात आ गई, प्रीव्यू दिखा रहा है वो, देखो आपको पीछे ये प्रीव्यू दिखा रहा है। ये मैं ग्रीन ले पहले अगर मैं अपना कर्सर लेके गई, माउस का एरो की लेके गई तो नहीं, यहाँ पे दिखा रहा है ग्रीन पीछे की ओर। नो आउटलाइन, अगर मान लो आपने इसमें से आउटलाइन का कोई कलर अप्लाई कर दिया है और आपको नहीं चाहिए तो नो आउटलाइन पे कर दो। उसका मोटाई कितनी चाहिए तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो, इतना मोटा चाहिए, इतना मोटा चाहिए, आउटलाइनिंग जो है वो इतनी मोटी चाहिए तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। डैशेज में कैसे चाहिए तो वही यहाँ से आप कर सकते हो। ये देखो मैं ये अप्लाई करती हूँ, इतना क्लियर दिख नहीं रहा है। नेक्स्ट करते हैं, हम इसको मटा के देखते हैं। आउटलाइन, नो आउटलाइन, हटा दिया मैंने इसको। फिर आता है हाइलाइटर, नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है हाइलाइटर, नेक्स्ट ऑप्शन है हाइलाइटर। तो जो जो मुझको ऐसा लगता है कोई इसमें से इम्पॉर्टेंट वर्ड है, जैसे हम बुक में भी हाईलाइट करते हैं तो सेम एज इट इज़ हम अपना एमएस वर्ड में, पावर पॉइंट में और एक्सेल में भी कर सकते हैं हाइलाइटर, हाईलाइट कर सकते हैं। सपोज ये वीडियो वर्ड है, ये मुझे लगता है बहुत इम्पॉर्टेंट है तो मैंने इसको येलो से हाईलाइट कर दिया। कहाँ गया येरा, येलो से हाईलाइट कर दिया। फिर आता है हमारा फॉन्ट कलर, फॉन्ट कलर, फॉन्ट कलर अप्लाई करेंगे। ये फॉन्ट तो हो गया हमारा, फॉन्ट एरियल, एरियल फॉन्ट चल रहा है। इसका कलर हमें कैसा चाहिए? हमें चाहिए इसका कलर रेड। ये मैंने रेड अप्लाई कर दिया इसके ऊपर। अब आता है हमारा स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू क्या होता है? स्ट्राइक थ्रू फ्रेंड वो होता है कि हमारे डॉक्यूमेंट में अगर कोई वर्ड गलती से टाइप हो गया और हम उसको डॉक्यूमेंट में दिखाना भी चाहते हैं कि हाँ ये वर्ड है भी लेकिन ये अब माननीय नहीं है, यानी कि ये नहीं माना जाएगा, ये वर्ड है तो हमारे डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट है लेकिन अब ये नहीं माना जाएगा, तो या फिर ये गलत है ऐसे भी बोल सकते हैं। तो हम जैसे सपोज ये वाले पैराग्राफ में पावरफुल एक वर्ड है जो कि गलती से टाइप हो गया तो यहाँ पर हम स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बीच में इसकी लाइन पर जाती है, जैसे अपने एग्जाम्स में भी करते हैं एक लाइन से काट देते हैं, ऐसे ही सेम स्ट्राइक थ्रू का काम है। होप करती हूँ ये स्ट्राइक थ्रू आपको एग्जाम वाले एग्जाम्पल से जल्दी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा सेंटेंस केस, लोअर केस एंड अपर केस। ये आता है हमारा चेंज केसेस में। चेंज केसेस क्या होता है? अब चेंज केसेस क्या होता है? चेंज जो केसेस होते हैं वो टोटल 5 टाइप के होते हैं, सेंटेंस केस, अपर केस, लोअर केस, टोगल केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड। तो इन सबको ट्राई करके हम देखेंगे। उसका फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए हमको। मैंने फॉन्ट इसका बड़ा कर दिया साइज की। अब मैं इसके ऊपर अप्लाई करूंगी बारी बारी।
पहले आता है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस क्या होता है कि नॉर्मली जो ग्रामर का यूज किया जाता है जहां पर, जैसे कि फुल स्टॉप के बाद पहला वर्ड जो है वो बड़ा होगा, बाकी सारे का सारा नॉर्मल होगा जैसे लिखा जाता है, वैसी सेंटेंस जैसे सेंटेंस में होता है एक होना चाहिए सेंटेंस में लिखा हुआ हमारे पैराग्राफ को, वैसे ही लिखा होगा। लोअर केस में क्या होता है कि सारे के सारे जो वर्ड होते हैं वो कैपिटल लेटर में ना होके स्मॉल लेटर में हो जाते हैं, स्मॉल लेटर में हो जाते हैं। फिर आता है हमारा अपर केस। अपर केस में सारे के सारे जो हमारे लेटर हैं वो आ जाते हैं हमारे कैपिटल में। कैपिटल में हो गए, देखो आप टू मेक सारे कैपिटल में है फुल स्टॉप के बाद, हालांकि इसको एफ को बस कैपिटल में होना चाहिए, बाकी नॉर्मल होना चाहिए, स्मॉल लेटर में होना चाहिए, लेकिन ये सारा के सारा बड़े में आ गया, कैपिटल आ गया। फिर आता है कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी कि हर वर्ड जो है वो कैपिटल होगा। जैसे कि यहाँ पर टू का टी बड़ा है, मेक का एम बड़ा है, योर का यू बड़ा है, डॉक्यूमेंट का डी बड़ा है, लुक का एल बड़ा है, ऐसे ही होगा ईच वर्ड। अब आता है टॉगल केस। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा टॉगल केस। टॉगल केस में क्या होगा, पहला जो हमारा वो होगा अल्फाबेट होगा वो क्या होगा, छोटा होगा, स्मॉल होगा, बाकी बड़े होंगे। जैसे कि अगर मैं टॉगल केस यहाँ पे अप्लाई करूँगी तो यहाँ पे टू का टी बड़ा, मेक का एम बड़ा, सॉरी टू का टी स्मॉल, मेक का एम स्मॉल, योर का वाई स्मॉल, डॉक्यूमेंट का डी स्मॉल। ठीक है फ्रेंड्स, होप करती हूँ आपको ये पांचों के पांचों केसेस क्लियर हो गए होंगे। आप एक बार घर पे अप्लाई करके देखना, एंड वीडियो को सेकंड टाइम अगर फिर से देखोगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एंड देन हम आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा आता है साइज का, हो गया ना साइज को हमने बड़ा छोटा कर लिया ना, और ठीक है अब आता है हमारा, यहाँ से भी साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं, ये देखो यहाँ से भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो छोटा कर दिया, यहाँ से ये बड़ा कर दिया। तो यहाँ पर इनमें से आप कोई सा भी ऑप्शन यूज कर सकते हो। इसमें क्या है कि आपको प्रॉपर इतना साइज लिख के आएगा, बस यही फर्क है और कुछ नहीं है। और इसमें क्या है, आपको ये लगता है कि हाँ इतना मैंने बड़ा कर लिया, अच्छा इतना ठीक है, इतना काफ़ी है मेरे डॉक्यूमेंट के लिए, तो यही है और बाकी इन दोनों में कितना कोई फर्क नहीं है। यहाँ पर बस क्या है कि आपको वो साइज लिख के आएगा कि आपको इतना चाहिए। ऑफिशियल पर्पज़ के लिए अगर मैं मोटे तौर पे बताऊँ तो ये ज़्यादा काम आता है, क्या आपको बोला जाता है कि इतना ही होना चाहिए हमारे डॉक्यूमेंट का जो साइज़ है, फॉन्ट साइज़ है वो 16 ही होना चाहिए, तो 16 ही होना चाहिए भाई, 16 कर सकते हैं। सेंटेंस केस में चेंज कर देंगे इसको ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। अब हमारा क्या बच गया, अब हमारा बच गया स्ट्राइक थ्रू भी हो गया, अब हमारा बच गया है सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट एंड क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे, फॉर्मेटेड होगा तभी तो उसको क्लियर फॉर्मेटिंग करेंगे, क्योंकि अब ये पारा फॉर्मेटेड है तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जाके लेफ्ट क्लिक कर देंगे माउस का, तो ये नॉर्मल हो गया। फॉर्मेटिंग में कभी भी हाईलाइटर जो है वो फॉर्मेटिंग में नहीं आता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको मुझे अलग से जाके नो कलर करना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ से हम अप्लाई करते हैं वहीं से जाके हम उसको हटाते भी हैं, यहीं से अप्लाई किया था हाईलाइट से, तो हाईलाइट में ही जाके नो कलर कर देंगे तो वह हट जाएगा, बट उसके लिए सिलेक्शन ज़रूरी है फ्रेंड। जैसे मैंने पहले भी बता रखा है, किसी भी ऑप्शन को अप्लाई करने के लिए सिलेक्शन मस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। फिर आगे हम बढ़ते हैं, आगे हमारा आता है कौन सा रह गया, ये रहा सबस्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट। यस, बहुत इम्पॉर्टेंट है सबस्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट के लिए हमें दो, मुझे अनफॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी ना इसकी, क्योंकि फॉर्मेटेड मैंने कर रखा है, ये रहा इसको मैं सिलेक्ट किया अनफॉर्मेट कर दिया। अब मैं इसको आपको पहले सबस्क्रिप्ट अप्लाई करके दिखाऊंगी, फिर सुपर स्क्रिप्ट। इसको मैं बड़ा करती हूँ, यहाँ से बड़ा करती हूँ, बड़ा बड़ा बोल्ड कर दिया। सबस्क्रिप्ट क्या होता है कि कोई भी, जैसे केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज होते हैं, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं केमिस्ट्री के, पानी का मैंने ले लिया है, वाटर फॉर्म जो केमिकल नेम होता है वाटर का H2O है ना, अब इसके अंदर हम 2 को नीचे की ओर लेके जाते हैं, क्योंकि 2 नीचे की ओर लिखा होता है, तो उसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट।
तो उसको टू को सिलेक्ट करेंगे और सबस्क्रिप्ट में जाएंगे और हम इसको क्लिक कर देंगे तो नीचे की ओर हो गया। शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू, कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू, इसकी मैंने पोस्ट भी बनाई है, आप जाके देख सकते हो। फिर आता है सुपरस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट क्या करेंगे, टीएच, जैसे सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे फर्स्ट का एसटी, सेकंड का एनडी ऊपर की ओर लिखते हैं, ऐसी होता है सुपरस्क्रिप्ट ऊपर की ओर, सुपर यानी ऊपर। तो ट्वेल्थ का टीएच ऊपर की ओर होना चाहिए बट यहाँ तो नीचे है। अब मैं क्या करूँगी, टीएच को सिलेक्ट करूँगी एंड देन सुपरस्क्रिप्ट में जाके लेफ्ट क्लिक कर दूंगी। सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस, यानी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। मैं आपको कीबोर्ड में अभी सामने करके दिखाती हूँ, एक मिनट दोबारा से इसको करके दिखाती हूँ सुपरस्क्रिप्ट की। पहले मैं इसको अनफॉर्मेटिंग करूंगी, क्लियर फॉर्मेटिंग में जाके, फिर बड़ा करते हैं। मैं अपना ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ओपन करती हूँ। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड कैसे ओपन करते हैं, स्टार्ट बटन पे आके क्लिक किया और यहाँ पर ओ एस के गिरा, आ गया ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, डबल क्लिक किया फिर ओपन हो जाएगा हमारा। यहाँ पे स्टार्ट ऑन स्क्रीन दो बार क्लिक कर देना है लेफ्ट बटन, ये मेरा कीबोर्ड आ गया, इसको मैं बंद कर देती हूँ, मुझे कीबोर्ड से ही काम है। अब देखो सुपरस्क्रिप्ट मैं ट्राई करने जा रही हूँ, ये देखो ये वाला सुपरस्क्रिप्ट, इसको मैंने सेलेक्ट किया, मेरा सेलेक्ट किया और कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबा के रखा और प्लस, और क्या प्रेस करके रखा, प्लस। एक मिनट दोबारा से सिलेक्शन करना पड़ेगा इसका, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, ये देखो ये हो गया ना ऊपर की ओर। तो ये हो गया सुपर स्क्रिप्ट अप्लाई करना। फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो बस यहीं तक था, अगर इसके अलावा कोई ऑप्शन आपको लगता है इम्पोर्टेंट है, वो छूट गया है, या फिर ऐसा कोई ऑप्शन आपको फॉन्ट ग्रुप में होम टैब के अंतर्गत अगर कोई ऐसा ऑप्शन है जो रह गया है फिर आपको क्लियर नहीं हुआ है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं आपको दोबारा उसको समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।